दोस्तों, इस वक्त मैं दापोरिजो में मौजूद हूं और दापोरिजो जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीट है। अगर ये मिनी सेक्रेटरीट जो है कंप्लीट हो करके, और बता दूं कि ये कंप्लीट भी हो चुका है, अगर ये कल को पूरा कंप्लीट हो जाता है तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ आ करके जो है अपर सुबनसिरी के हवाले करना चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि अरुणाचल के अलग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी जो मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है ये दापोरिजो से सीखना चाहिए, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। दापोरिजो का ये मिनी सेक्रेटरीट अगर आप देखेंगे, इसका जो खूबसूरत के बारे में आपको मैं बताता हूँ, और आपको मैं अंदर भी जाके दिखाऊँगा कि यहाँ में क्या क्या प्रोविजन्स दिया हुआ है। यहाँ पर जो पब्लिक, उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी है उसके लिए आने वाला समय में, और उसमें जो है सुविधा क्या क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। मैं इससे पहले कोशिश करता हूं कि आपको मैं जो है यहां के जो है ड्रोन फुटेज को दिखाऊं कि ये जो है कहां पर लोकेटेड है और ये किस प्रकार ऊपर से दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जो हमारा जो ड्रोन फुटेज है ये जो है अलग जगह का नहीं है, ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर दापोरिजो है। बहुत ही खूबसूरत घर बनाया हुआ है, और अगर ये कल को आने वाला समय में पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये अपर सुबनसिरी जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको यहाँ पर जो है पूरा जितना भी जो सरकारी काम है या फिर आपका जो काम है यहाँ पर जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं इसी जगह में आप आ करके जो है जितना सरकारी काम को कर सकते हैं। और अभी क्या होता है कि अलग अलग ऑफिस होने के कारण से जनता को भी दिक्कत होता है कि अलग अलग जगह में जा करके अपना फाइलें सान करवाना या फिर बर्थडे सर्टिफिकेट हो, एस टी सर्टिफिकेट हो, छोटा छोटा जो चीज़ होता है वो अलग अलग जगह में करना पड़ता है। ये बिल्डिंग अगर पूरा कंप्लीट होने के बाद अगर बन जाता है ये पूरा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत खुशी की बात है, और बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। जैसे कि आप लगातार देख रहे होंगे हम जो है ड्रोन का फुटेज आपको हम दिखा रहा है। आइए अब हम लेके चलते हैं आपको जो है जो दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीट जो है बना हुआ है इसके अंदर में क्या क्या सुविधा है और कितना खूबसूरत है इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में है, ये टिक जो दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीट का ये ग्राउंड फ्लोर है। खबर के मुताबिक ये जो है फोर्थ फ्लोर तक बना हुआ है और बहुत ही शानदार बना हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूँ, अगर इस तरफ दिखाएंगे वहाँ पर जो चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है, इस तरफ आप देखेंगे और इस तरफ भी अगर आप देखता है इस प्रकार यहाँ भी सीढ़ी बनाया गया है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जो सिविल सेक्रेटरी तो उस प्रकार का जो डिज़ाइन टाइप का बनाया हुआ है। एक दो कमरा को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर जब क्वालिटी की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ये क्योंकि ये अभी आपको शुरू में हमने बताया ईटानगर से आध घंटा का जो रास्ता होता है उसमें जो है सफ़र करने के लिए यहाँ पर कितना कॉन्ट्रैक्टर को दिक्कत हुआ होगा। और यहाँ पर हम एक दो कमरा को अगर हम दिखाएंगे आपको, और आपको मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा फुटेज है उसको आपको दिखाने के लिए, ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। ये आप देखेंगे ये बहुत 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 सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। टॉयलेट की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो व्यवस्था है ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये पूरा जो है पूरा ख़त्म हो गया है। कंट्रैक्टर के मुताबिक जो है पूरा जो डिपार्टमेंट के तरफ से जैसे DPR जिसे दिया गया है, जो उनको दिया गया स्ट्रक्चर जो दिया गया है उसके मुताबिक पूरा कंप्लीट है। लेकिन अभी तक जो है सरकार या फिर जो डिपार्टमेंट है इसको लेने को तैयार नहीं, या फिर समय अभी तक क्यों नहीं लिया गया, ये अपने आप में सवाल है। हमें खबर ये मिला है कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर का कहना ये है कि जो DPR में जो फायर सर्विस के लिए जो DPR में नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है DPR में नहीं था फिर भी ये फायर जो है बचाव के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ये अगर देखेंगे ये तो हमको लगता है कि अरुणाचल में ऐसे बहुत कम होगा जहां पर बहुत बड़ा ऐसे ऑफिस जो इमारत है उसमें जो इस प्रकार का जो है जो फायर सर्विस यानी जब आग लगता है उसको जो है बुझाने के लिए इस प्रकार का जो ये किया हुआ है, ये अपने आप में तारीफ करने योग्य है। क्योंकि कंट्रैक्टर ने हमें ये भी बताया कि ये DPR में नहीं है फिर भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और सबसे खुशी की बात ये है कि अपर सुबनसिरी जो जनता के लिए, खासकर जो दापोरिजो में जो लोग रहते हैं उसके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ जब दूर दराज इलाका में क्या होता है कि लिफ्ट चीज़ को पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ईटानगर में भी रहता है तो ईटानगर में आप लोग जब जाएंगे तो हमारा जो है सिविल सेक्रेटरीट में ही लिफ्ट है, बाकी जगह में ऐसे लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है। तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इस प्रकार का लिफ्ट ये खोलेंगे तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए कि ये जो है यहाँ आठ लोग जो है एक साथ जा सकता है, और यहाँ पर अंदर में भी AC की व्यवस्था है। तो यहाँ से आगे अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये
अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापो में है अभी हम लोग, तो आप सोच के देखिए कि दापो में इस प्रकार का जो है लोगों के लिए सुविधा, मतलब जो लिफ्ट में जो आप जा सकते हैं, जब भी आप यहाँ कार्यालय आते हैं, ऑफिस में जब आते हैं तो आप जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ जाएंगे तो अभी हम लोग ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कि सरकार को या फिर जो डिपार्टमेंट है उसको कम से कम ये कॉन्ट्रैक्टर को, तो हमको लगता है कि उसको जो है ऐसे घर बनाने के लिए जो DPR के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो भी अपना जो है दापो को ध्यान में रखते हुए, दापो के जनता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का जो है घर यानी मिनी सेक्रेटरीट बनाया, ताकि सबके लिए आने वाला समय में काम आ सके। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये आप देखिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर से, अभी हम लोग फोर्थ फ्लोर में हैं, तो फोर्थ फ्लोर में ये अभी ये डीसी का चैम्बर है, या फिर अभी हम लोग यहाँ जाएंगे आपको मैं दिखा दूँ, ये कवर के मुताबिक डीसी का चैम्बर है, मतलब डीसी यहाँ पर टॉप फ्लोर में रहेंगे। तो आप देखिए व्यवस्था को, आप थोड़ा सा आपको नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मान लीजिए कि डीसी साहब जो है यहाँ पर रहेंगे, और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, और यहाँ आने से पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से नज़ारा इस प्रकार का दिखाई देता है जो आप देखेंगे, क्योंकि ये है दापो टाउन, आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, और यहाँ जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल भी हम लोग जाते हैं तो ये अंदर आप आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये यहाँ से नज़ारा इस प्रकार दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सरकार के तरफ से इसका फंडिंग किया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फंडिंग होने के बाद भी यहाँ पर जो अभी तक जो कॉन्ट्रैक्टर से इसको जो है क्यों लिया नहीं जा रहा है, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। हमने शुरू में कहा कि इसका रीज़न क्या रहा होगा, कारण क्या रहा होगा, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से भी हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक इसको पब्लिक को नहीं दिया गया है। यहाँ अंदर हम लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था होगा डीसी साहब के लिए, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया होगा, ये आप देखेंगे तो इस प्रकार का है, ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, ऐसे आप देखेंगे। और पूरा जब ये जो जितना ये मिनी सेक्रेटरी की जब हम लोग बात करेंगे, आप अगर जो है, हमको लगता है हर रूम को घूमने के लिए आपको तकरीबन यहाँ पर 1 या 2 घंटा का समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत। अभी कॉन्ट्रैक्टर खुद को मतलब अंदाज़ा लगाने में वो हो जाता है कि यहाँ पर कितना रूम बना हुआ है, क्योंकि बहुत मतलब इतना रूम बना हुआ है कि यहाँ पर लोग जो है सफिशेंटली, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और HOD से यहाँ पर बेच सकता है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे दिखाऊँ, और जो आप जैसे ये देख रहे हैं बाकी जितना भी कमरा है ये भी इस प्रकार का ही डिज़ाइन किया हुआ है। ये मान के चलिए कि जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बाकी जितना भी जो कमरा है इस प्रकार का डिज़ाइन किया हुआ है, ये इस तरह कुछ दिखता है। अगर मेरे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको वहाँ का जो आदमी है उसको आप थोड़ा छोटा आपको नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। सब कमरा को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना जो कमरा आप लोगों को दिखाया है ऐसे ही यहाँ पर बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अभी हम लोग इस साइड जाते हैं, यहाँ आप देखेंगे यहाँ 1-2 कमरा है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये जितना जो इसका फिनिशिंग है इसको आप देख सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से हमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जितना जो इलेक्ट्रिशियन है, जो जितना जो एक्सपर्ट लाया गया है, ये बाहर स्थित यानी हमारा जो नज़दीक स्टेट है असम से जो एक्सपर्ट है उसको लाया गया है, ताकि ये काम में जो है कोई कमी ना हो, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है ये उनके लिए भी एसेट है, और उनको वो जो है एक एग्जाम्पल जो है सेट करना चाहता है कि जो भी काम करते हैं अपने, खासकर अपने जो दापोरिजो का होता है, तो दापोरिजो के लोगों के लिए इस प्रकार का एग्जाम्पल सेट करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब बात है, ताकि लोगों को आने वाला समय में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट काम करता है उनको पता चले कि अपने जगह में किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट काम किया जाता है। ये कमरा इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ये आप मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, ये आप ये लंबा ये ऐसे दिखाई देगा, ये देखेंगे तो अभी हम लोग थोड़ा आगे जाके देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार का जो है व्यवस्था दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो है 1-2 घंटा यहाँ पर चल के थक जाएगा, लेकिन आप ये कमरा को जो है पूरा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। एक घर में या अपने ऑफिस में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है टॉयलेट बाथरूम, उसके अंदर आपको लेके चलते हैं यहाँ पर किस प्रकार का व्यवस्था है, खासकर जो पब्लिक जो जनता जो है यहाँ ऑफिस में आते हैं। ये अगर आप इसको देखेंगे, ये जहाँ तक आप देख रहे हैं ये जेंट्स टॉयलेट है, अगर हम लोग अंदर जाएंगे आपको हम दिखाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ भी आप जाके देखेंगे तो इस प्रकार का बना हुआ है। लेडीज़ टॉयलेट की हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़रूरी होता है, तो
लेडीज टॉयलेट यहाँ पर है, ये लेडीज टॉयलेट है, ये है यहाँ जो दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीत का सबसे खूबसूरत जो है, हर चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जनता के नजर से या फिर सरकारी जो कर्मचारी है उसके नजर से, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। खासकर जो जो डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से DPR दिया है, जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो दिया है उसके मुताबिक ही काम हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। और नीचे जो है इस जितना जो घर को जो इलेक्ट्रिक जो है या फिर CC कैमरा है जहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे उसके बारे में आपको हम बताते हैं। लाइट कनेक्शन जहाँ से पूरा जो बिल्डिंग है, जो मिनी सेक्रेटरी है, इसको कंट्रोल करेंगे, ये वही जगह है। लेकिन आपको यहाँ भी एक चौंकाने वाला बात ये बता दूँ कि कंट्रेक्टर की तरफ से ये कहना है कि ये जो है CC कैमरा, उसके बाद जो इंटरनेट है उसके लिए कनेक्शन जो है DPR में नहीं था, लेकिन इनको पता था कि आने वाला समय में जब मिनी सेक्रेटरी होगा तो यहाँ पर जो CC कैमरा जरूरत होगा और इंटरनेट सेवा की जरूरत होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों जो वायर है, एक जो है CC कैमरा के लिए है और दूसरा जो है इंटरनेट सेवा के लिए है। तो ये भी बिना DPR के मुताबिक उन्होंने काम किया है। शुरू में बताया कि उनको पता था आने वाला समय में इतना बड़ा जो ऑफिस होगा तो उसमें तो इंटरनेट की जरूरत होगी और साथ साथ CC कैमरा की जरूरत होगी। तो इस प्रकार का DPR आज के समय में कौन कॉन्ट्रेक्टर ऐसे काम करता है जो DPR में नहीं है फिर भी काम कर देता है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया कि जरूरत है, क्योंकि ये दापो उनका जगह है और ये मिनी सिकेद्र जो है उनका है, यानी पूरा पब्लिक का है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाना ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। और ये देखेंगे ये इस प्रकार का जो है ये पूरा जो है यहाँ का लाइट सिस्टम को, यानी मिनी सिकेद्र का जितना लाइट सिस्टम है यहाँ से कंट्रोल की जाएगी। कल को कुछ भी होता है तो इसी से जो है ऑपरेट यहाँ से करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टर ने बताया। आप भी अगर देखेंगे ये इस प्रकार का बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन एक बात को फिर दोहराना जरूरी है कि जो इंटरनेट सेवा और CC कैमरा की जब हम बात करते हैं, ये उसके लिए भी व्यवस्था जो है पूरा जो मिनी सेक्रेटरीत जितना इतना बड़ा जो गढ़ है, इतना बड़ा जो बिल्डिंग है, उसके लिए इस प्रकार का प्रोविजन बिना DPR में होने के बाद भी ये जो है काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करता है। तो इन चीजों को डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। ये मिनी सेक्रेटरीत का एक खास बात यह है कि जो DPR के मुताबिक, कॉन्ट्रेक्टर के जो कहने के मुताबिक, जो DPR में जैसे कि मार्बल का जो इस प्रकार का जो सीरी बनाया जाना चाहिए, जैसे कि फिनिशिंग आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि यहाँ तक जो है ऐसे मार्बल जो सामान होता है दापोरिजो तक पहुँचना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। ये लोगों के लिए, मतलब आने जाने के लिए जितना जो सरकारी कर्मचारी है या फिर जो पब्लिक जो आते हैं ऑफिस में, उसके लिए चलने की जो व्यवस्था अगर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। पायर की जब हम बात करेंगे, शुरू में आपको बताया, लेकिन यहाँ पर हर फ्लोर में जो है पायर सर्विस, यानी जब कुछ इंसिडेंट होता है उसके लिए बुझाने के लिए सामान दिया हुआ है। ये जो है मार्बल का है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर टाइल्स बिछाया हुआ है। तो ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है जो मतलब कॉन्ट्रेक्टर ने काम किया है, मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिस प्रकार से उसको निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार का काम करना है, तो इसी मुताबिक उन्होंने काम किया है। एक नमूना तो ये है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ अगर आप दिखाएंगे, ये ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ये जो है पूरा जो बिल्डिंग को जो है पानी सप्लाई करने के लिए एक टैंकी जो है बनाया हुआ है। और कॉन्ट्रेक्टर के कहने के मुताबिक ये जो है 10 से 15 हज़ार जो है पानी जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा कर सकता है, उसके बाद जो है ये पूरा बिल्डिंग को जो है सप्लाई देगी। और ताजुब की बात ये है कि पानी व्यवस्था के लिए भी अगर DPR में जो है नहीं होना, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या जो इंजीनियर जिन्होंने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया, क्या उसमें DPR में क्यों पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकता, या फिर इंटरनेट सेवा, CCTV कैमरा हो गया आपको मैंने जिसे बताया, उसके बाद जो फायर सर्विस हो गया, ऐसे व्यवस्था को तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जरूरत वही होता है। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया है कि फायर सर्विस जो देता है, और फायर जब आग लगता है वो बुझाने के लिए उसके उसमें DPR में मौजूद नहीं था, CC कैमरा के लिए कोई कनेक्शन के लिए उसमें DPR मौजूद नहीं था, इंटरनेट सेवा के लिए उसमें मौजूद नहीं था, और छोटा जो ये आप देख सकते हैं जो पानी टैंकी जो कि सबसे ज़रूरत है, तो ये भी मौजूद नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर ने इसको भी बना दिया। ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करता है। जितना आप लोगों ने देखा जो दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीत, इसके बारे में आपको दिखाया, हर कमरे के बारे में आपको बताया, टॉयलेट के बारे में बताया आपको, हमने जो CC कैमरा का जहाँ पर जो है अरेंजमेंट किया जाएगा या फिर जो इंटरनेट सुविधा जहाँ से होगा, और लाइट व्यवस्था के बारे में बताया, उसके बाद जो पानी टैंकी है उसके बारे में बताया, और यहाँ का जो फायर सर्विस जब आग लग जाता है उसको बचाव के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में सब कुछ आप लोगों को बताया। अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार तक जो है ये न्यूज़ अगर पहुँच पा रहा है तो आने
वाले समय में डिपार्टमेंट को, खास करके अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, उसको समझना चाहिए। अगर ये पूरा कंप्लीट होने के बाद या फिर कॉन्ट्रैक्टर का जो बचा हुआ अगर पेमेंट को दिया जाता है तो इस बिल्डिंग को जो है यहाँ के अपर सुबनसिरी के जनता के हवाले कर सकता है। अगर ये जनता के हवाले हो जाता है तो यहाँ जो है बैठे हुए डीसी को काम करने में आसानी होगी, यहाँ की जनता को आसानी होगी, खासकर उस कॉन्ट्रैक्टर को भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो बिल्डिंग बनाया है उसका अगर पेमेंट हो जाता है तो ये जनता के हवाले हो जाएगा। हमको तो लगता है यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर जो है अवार्ड देने की जगह अगर उसका पेंडिंग को जो पेंडिंग जो पेमेंट है उसको अब और भी पेंडिंग किया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये जेन्यून है, क्योंकि इस बिल्डिंग को हमने पूरा चारों तरफ से देखा है और आपको मैंने ये भी कोशिश किया है कि जो ड्रोन फुटेज है उसके बारे में भी आपको हमने बताया, और बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और आपको हमने ये भी बताया कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना जो लेबर खर्च किया गया होगा, कितना लेबर कहाँ कहाँ से लाया होगा, इस बारे में भी हमने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है इस न्यूज़ को अगर देखेंगे तो इस हरकत में आकर के, और डिपार्टमेंट खासकर, और आने वाला समय में डिपार्टमेंट के एक्शन एई जैसे अभी हम कोशिश करेंगे, और यहाँ का जो लोकल जो विधायक है उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि क्या वजह रहा होगा, क्या कारण रहा होगा कि अभी तक इस बिल्डिंग को जो है पब्लिक के हवाले नहीं कर पाया, या फिर इस कॉन्ट्रैक्टर को जो है अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में भी हम आने वाला समय में उन लोगों से यानी ऑफिसर से हम पूछताछ करेंगे, और यहाँ के लोकल विधायक से भी हम पूछताछ करेंगे। लेकिन आप सभी के लिए जानने वाला बात यह है कि दापोरिजो में बना हुआ जो मिनी सेक्रेटरीट है बहुत ही खूबसूरत से बना हुआ है, और यहाँ पर अगर पूरा होने के बाद अगर इस मिनी सेक्रेटरीट को लोगों के हवाले कर दिया जाता है तो आने वाला समय में दापोरिजो के लिए और खासकर जितने अपर सुबनसिरी के लोगों के लिए जो है ये बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और अरुणाचल के अलग डिस्ट्रिक्ट में भी इस प्रकार का मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। और ये सरकार के पाई पाई पैसा को जो है खूबसूरत तरीके से खर्च करके बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दर्शकों, हम आप देखते रहिएगा अरुण भूमि, हम लगातार ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।